चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में गंगाराम अपनी पत्नी काजल और 6 साल की बेटी जूही के साथ रहा करता था। एक बार की बात है, गंगाराम अपने खेतों में काम कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक सांप पर पड़ती है। हे भगवान, खेत में ये सांप कहां से आ गया? अभी लाठी से इसको बाहर भगाता हूँ। गंगाराम जैसे ही सांप को भगाने के लिए लाठी उठाता है तो वो देखता है कि सांप तो पहले से ही अधमरा पड़ा हुआ है। ओहो, इस बेचारे सांप को तो काफी चोट आई हुई है। मुझे तो इसका दर्द दिखाई ही नहीं जा रहा है। ऐसा करता हूँ, इसे अपने साथ घर ले जाता हूँ। गंगाराम सांप को उठाकर घर ले आता है और अपनी पत्नी काजल से कहता है, काजल, जल्दी से चोट पर लगाने लेप तो लाना। इस बेचारे सांप को बहुत चोट आई है। चोट पर मरहम लगाते ही ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। हाय देवा, ये सांप कहां से ले आई जी आप? अरे, इसे मरहम लगाने की बात कर रहे हो जी? आज ही अगर ये ठीक हो गया ना तो सबसे पहले हमें ही डसेगा। हाँ पिताजी, ये सांप कितना प्यारा है, माँ जल्दी से लेप लगा दो ना। ओहो काजल, तुम चिंता मत करो, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अब तुम जल्दी से मुझे लेप दो। फिर गंगाराम सांप को बड़े ही प्यार से लेप लगाता है। कुछ ही दिनों में सांप बिल्कुल ठीक हो जाता है और सांप गंगाराम के घर में ऐसे रहता है कि जैसे उनके घर का ही सदस्य हो। आजी, अब तो ये सांप पूरी तरह से ठीक हो गया है। अब तो जाकर इसे जंगल में छोड़कर आओ। नहीं भाग्यवान, मैं इसे कहीं नहीं छोड़कर आने वाला। जरा देखो तो, इस सांप ने इतने दिनों में हम में से किसी को भी कहीं नुकसान नहीं पहुंचाया है। और जरा जूही को देखो, वो तो इसके साथ ऐसा खेलती है जैसे ये सब उसका कोई खिलौना है। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। एक दिन काजल और गंगाराम खेतों में काम करने के लिए जाते हैं और अपनी बेटी जूही को घर पर ही रहने के लिए बोलते हैं। बेटी जूही, घर पर ध्यान से रहना, हम दोनों जल्दी से खेतों में काम खत्म करके घर आ जाएंगे। आप चिंता मत करो माँ, मेरा ध्यान रखने के लिए मेरा दोस्त सांप भाई है ना। फिर काजल और गंगाराम खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। जूही अपने सांप भाई के साथ दिन भर खूब खेलती है और फिर थक कर सो जाती है। कुछ ही देर में कालू और मोहन नाम के दो चोर गंगाराम के घर की खिड़की से अंदर झांक कर देखते हैं। अंदर बस एक छोटी लड़की है और वो भी सोई हुई है। ये सही मौका है चोरी करने का। फिर वो दोनों चुपके से घर के अंदर जाते हैं और घर में रखा सामान अपने थैले में भरने लगते हैं कि तभी शोर से जूही जाग जाती है और शोर मचाने लगती है। जूही को शोर मचाता देखकर कालू जल्दी से अपने हाथ से जूही का मुंह बंद कर देता है। ये सब कोने में बैठा सांप देख रहा होता है और वे गुस्से में चोर के पैर के पास जाता है। अरे मर गया रे, ये सांप यहाँ कहाँ से आ गया? अरे मोहन, जरा इस सांप को लाठी मारकर भगा तो सही। जब तक मोहन लाठी उठाता है, सांप मोहन के पैर में काट लेता है। ये देखकर कालू जूही को छोड़ देता है। जूही हंसते हुए बोलती है कि अब आया मजा, मेरे घर में चोरी करने आए थे ना, अब
दिखाओ जरा चोरी करके। सांप भाई, इस चोर को भी मत छोड़ना, इसे भी अच्छे से मजा चखाना। अरे मेरी माँ, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी किसी घर में चोरी नहीं करूँगा। हाँ, अरे ये सांप मेरे पीछे क्यों पड़ता है और तुम्हें क्यों कुछ नहीं करता? क्योंकि ये सांप हमारा पालतू सांप है और अब ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। जैसे इसने तुम्हारे दोस्त को मार डाला है, वैसे ही ये तुम्हें भी मार डालूंगी। हाँ, तब काजल और गंगाराम भी घर आ जाते हैं और देखते हैं कि घर का काफी सामान इधर उधर बिखर पड़ा है। फिर जूही अपने माँ पिताजी को सारी बात बताती है। कालू चोर गंगाराम से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। देखा काजल, जिस शाम को तुम जंगल में लौटाकर आने की बात कर रही थी, आज उसी ने हमारी बेटी की जान बचाई और घर में चोरी भी नहीं देने दी। फिर काजल बड़े ही प्यार से शाम को सहराती है और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। महेश का एक सुखी परिवार था। महेश, उसकी पत्नी सौम्या और उनकी छोटी सी बेटी डिंपल एक छोटे से घर में रहते थे। महेश के पास एक छोटा सा खेत है और एक गाय है। महेश खेती करके और दूध का व्यापार करके अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखता है। सौम्या, ये क्या कर रही हो? जल्दी से मुझे पानी का बोतल दे दो, खेत में जाने के लिए देरी हो रही है। एक मिनट रुकिए जी, आपका खेत कहीं नहीं जा रहा है, धूप बहुत ज्यादा है, इसलिए बोतल पर कपड़ा गीला कर बांध रही हूँ, इससे पानी ठंडा रहेगा। ऐसे दोनों पति पत्नी एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। लेकिन एक दिन बाजार से सामान खरीद कर लेकर आने के लिए गई हुई सौम्या को एक गाड़ी वाला एक्सीडेंट कर देता है। उस हादसे में डिंपल को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन सौम्या की मौत हो जाती है। महेश को जब ये बात पता चलती है तो उसके दुख की कोई सीमा नहीं थी। महेश अंदर से टूट गया था, लेकिन उसे अपनी बेटी को भी संभालना था, इसलिए महेश अपनी बेटी को संभालते हुए सौम्या का अच्छे से अंतिम संस्कार करता है। अब मैं क्या करूं? डिंपल को चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा रोती रहेगी तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं मेरी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसे कहते हुए महेश कुछ लोगों से सलाह मांगता है। सब उसे किसी अच्छी लड़की को देखकर शादी करने को कहते हैं। महेश उनकी बात मान लेता है, लेकिन वो जिससे शादी कर रहा था उससे पहले ये बात अच्छे से समझा देता है कि देखो पायल, मैं ये शादी सिर्फ मेरी बेटी डिंपल के लिए कर रहा हूँ और सिर्फ वही मेरी बेटी रहेगी। भविष्य में कभी भी हम दोनों को संतान नहीं होगी। जैसी आपकी मर्जी, डिंपल ही काफी है मेरे लिए, वो भी मेरी सगी बेटी है, आप चिंता मत कीजिए। पायल के मुंह से ये बात सुनकर महेश काफी खुश होता है और बाद में दोनों की शादी अच्छे से हो जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। पायल डिंपल का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी और डिंपल बड़ी हो गई थी, इसलिए पायल का प्यार उसके लिए कम हो जाता है और पायल को अब अपने खुद के बच्चों का ख्याल आने लगता है। इस डिंपल की वजह से मैं एक बांझ बनकर रह गई हूँ, मुझे भी मेरे अपने बच्चे चाहिए। ऐसे कहते हुए तब से पायल डिंपल को परेशान करने लगती है, उसे वक्त पर खाना भी नहीं देती है। लेकिन जब महेश साथ में होता है तब वो ऐसे जताती है कि
डिंपल को उससे ज्यादा प्यार और कोई नहीं करता है। ऐसे पायल महेश को तो बेवकूफ बना लेती है, लेकिन मरने के बाद भी अपने पति और बेटी के प्यार की वजह से सौम्या की आत्मा उनके आसपास ही भटक रही थी और वो अपनी बेटी के साथ हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसलिए सौम्या उनकी इकलौती गाय से मदद मांगती है। गाय, तुम मुझे भूल तो नहीं गई हो ना? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं जानती हूँ आप यहाँ किस लिए आई हो। नई मालकिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। सौम्या खुश होती है और उस गाय के अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद वो गाय जो भी देखती है वो सब महेश को भी दिखाई देता है। एक पेड़ के नीचे रोते हुए बैठी हुई डिंपल से बात करने के लिए जाती है वो गाय। क्या बात है डिंपल, तुम क्यों रो रही हो बेटा? माँ, क्या तुम मेरी माँ हो? मेरी माँ मुझसे ऐसी ही बात करती थी। नई माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मुझे खाना नहीं देती है और दिन भर सिर्फ काम करने को कहती है। काम कर कर के मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। डिंपल की बातें सुनकर गाय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सब महेश को भी दिखाई दे रहा था और सुनाई भी दे रहा था। इसलिए महेश अपना सामान फेंक कर खेत में से अपनी बेटी के पास भाग कर आता है। इसका मतलब अब तक जो देख रहा था वो सब सच है? पायल ने मेरी बेटी से बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ऐसे कहते हुए महेश अपने घर जाकर पायल से सवाल करने पर वो डर जाती है और महेश को छोड़कर चली जाती है। तब से महेश अकेला ही अपनी बेटी का ख्याल रखता है और वो गाय की आंखें जो देख रही है महेश को भी दिखाई देता है। इसलिए जब भी डिंपल उदास या मुसीबत में होती है महेश अपनी बेटी के पास भाग कर आ जाता है।